वेलकम बैक टू आवर चैनल बेसिक्स ऑफ लाइफ। और पापा गए हैं अमरनाथ जी की यात्रा पे और वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से दर्शन भी कर लिया और वो कल आने वाले हैं। और आज सैटरडे है तो भैया ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम डिनर पे होए, क्योंकि सैटरडे तो कल ऑफ है, आराम से आ सकेंगे। तो हम जा रहे हैं पैसिफिक मॉल और वहाँ करने वाले हैं डिनर। तो चलो चलते हैं पैसिफिक मॉल। सो फाइनली एक घंटे की ड्राइव के बाद ना, इतने लंबे ट्रैफिक के बाद हम मॉल पहुंच गए और मॉल आगे इतना अच्छा लग रहा है यार। बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि जिसकी कोई हद नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और यहाँ पे ना सेल्फी पॉइंट मिलते हैं, हम सब ने सेल्फीज़ भी क्लिक कराई बहुत सारी। और यहाँ पे देखो, हम ना डिनर के लिए आए हैं, पर थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं यार। विंडो शॉपिंग में क्या जा रहा है, मॉल में आओ और विंडो शॉपिंग ना करो, ऐसा हो सकता है क्या? तो यहाँ पे हम थोड़ा अभी विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी शॉपिंग के लिए जिस दिन आएंगे ना, उस दिन रिलैक्स होकर आएंगे। इतनी जल्दी जल्दी तो भैया के साथ कोई शॉपिंग नहीं होने वाली। और यहाँ पे ना नायका के स्टोर पे यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स थे। सो भाभी और हमारा प्लान बन गया, हम यहाँ पे दोबारा आने वाले हैं बिना बच्चों के और बिना भैया के। और यहाँ पे हंसिका भी ले रही है यहाँ पे ये कॉटन कैंडी। और कौन सी वाली शेप इसने बनवाई है वो है ना, आप शॉर्ट्स में ज़रूर देखना, मैंने फुल वीडियो शॉर्ट्स में डाली है, आप देखना हंसिका ने कौन सी वाली कैंडी बनवाई है। एंड नेक्स्ट हमने यहाँ पे ना, मुझे ये वाला स्टॉल काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे इनके पास इंडियन सूट्स थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छी कलेक्शन थी, मतलब गर्ल्स के लिए भी अच्छी कलेक्शन थी इनके पास। यहाँ पे ये बीट्स 250 रुपीज़ के ये दे रहे थे और इसका कुछ लुक ना इस टाइप का आता है, और जो कि काफ़ी गोवा वाला वाइब दे रहा था, गोवा में ऐसे मिलते हैं। तो यहाँ पे ये एक स्टॉल है जहाँ पे काफ़ी सारे हमारे मतलब की चीज़ें थी, मतलब सारा मेकअप, ब्यूटी मेकअप था। यहाँ पे ये कृष्णा जी की मूर्ति देख के तो मैं फ्लैट हो गई, स्क्रीन पे ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रही थी बट बहुत अच्छी थी इन रियल। और यहाँ पे अभी हम थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से नहीं खाएंगे, हम नीचे फूड कोर्ट से खाएंगे, क्योंकि वहाँ हमें काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे ना। वहाँ पे डोमिनो भी है और कैफ़े चेन्नई भी है, तो काफ़ी सारे हल्दीराम वगैरह सब मिल जाएंगे। सो अभी हम यहाँ पे थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, आप भी हमारे साथ थोड़ा एक्सप्लोर करो इस वाले मॉल को, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है यार ये वाला मॉल। और यहाँ पे हम हल्दीराम पे आ गए हैं, बट हम अभी यहाँ पे अंदर नहीं जाएंगे, बिकॉज हमने नीचे फूड कोर्ट से ही खाना है यार। हमने तय करके आए हैं कि हम फूड कोर्ट से नीचे खाएंगे, जहाँ पे डोमिनो वगैरह सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, वाव मोमो भी थे नीचे। तो यहाँ पे ये देखो, कुछ थोड़े से यहाँ पे राइड्स हैं जो कि छोटे बच्चों के लिए हैं, और भी राइड्स हैं जो कि फंकी आइलैंड में हैं, वो भी हम चलते हैं और वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, वहाँ पे इससे बेटर है। तो यहाँ व्यू अपने लगा हुआ है पंचिंग बैग के साथ, और ये बबल्स देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बट ना इन रियल बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, कैमरा में उतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, बट इन रियल बहुत प्यारा व्यू लग रहा था बबल्स के साथ। और यहाँ पे अभी हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, तो अभी हमें यहाँ पे मैकडी दिख गया है, बट ना यहाँ से नहीं खाना है, तो अभी हम आगे चलते हैं। अभी हम किड्स जोन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे किड्स के लिए ना काफ़ी अलग सेक्टर बना हुआ है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फंकी आइलैंड में काफ़ी सारी राइड्स हैं और इनके लिए काफ़ी कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये पूरा देखो, ये अलग से सेक्शन बना रखा है किड्स का, जहाँ पे बच्चे अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो अभी हम यहाँ फंकी आइलैंड जा रहे हैं और यहाँ अंदर एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे और बच्चों के लिए क्या क्या है। तो यहाँ पे ये 3D वाली राइड्स भी हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बच्चों के लिए काफ़ी सही जगह है यार। जब हम छोटे थे ना, हम सिर्फ झूले वगैरह में खुश होते थे, बट बच्चों के लिए, आजकल बच्चों के लिए ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा सही है ना, आराम से यहाँ पे बच्चे एक्सप्लोर कर लेते हैं, घूम लेते हैं, बेस्ट चीज़ है, एसी में आराम से मज़े ले रहे हैं। और यहाँ पे हंसिका जी रो रही हैं क्योंकि उन्हें एक राइड करनी है, सो भैया अभी कार्ड लेने गए हैं, उससे इतना वेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे नीचे सेक्टर में भी अभी हम चलेंगे, सो पहले थोड़ा ऊपर एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं एक दो राइड्स ऊपर लेते हैं, फिर उसके बाद नीचे भी चलेंगे कि नीचे और क्या क्या है। यहाँ भी भैया कार्ड ले रहे हैं और यहाँ पे ना 1000 रुपये में 1000 रुपीज़ मिलेंगे, 1500 वाली में 2100 पॉइंट्स मिलते हैं। सो उस अकॉर्डिंग ये सारे अलग अलग चार्जेस हैं जो कि 10,000 तक हैं। तो इस टाइप का एक कार्ड है जो कि हमें मिला है, और अब हम यहाँ से कोई भी राइड्स वगैरह लेना चाहते हैं या कोई भी गेम खेलना चाहते हैं तो हम यहाँ पे खेल सकते हैं। सो हंसिका ने सबसे पहले स्टार्टिंग कर रही है, तो हंसिका को इनमें से कोई एक टॉय चाहिए, सो अब वो ट्राई कर रही है कि यहाँ से डॉल क्लब से अगर उसे कुछ मिल जाए, कोई डॉल वगैरह या कोई सॉफ्ट टॉय मिल जाए। सो अभी हंसिका वो ट्राई कर रही है, और हंसिका ने ट्राई किया बट उससे नहीं होगा, तो उसने ना भैया को बोला कि आप पापा ट्राई करो, और यहाँ पे भैया ने ट्राई किया। सो ये इतना ज़्यादा लूज़ होता है यार, क्या ऐसा कुछ होता है क्या, आपका कभी ऐसे इसमें टॉय निकला है तो बताना, हमारा तो कभी नहीं निकला यार। इतना ज़्यादा लूज़ होता है कि वो ऑटोमेटिक, अभी ये नीचे जाएगा ना, उसको ग्रैब भी करेगा पर इंस्टेंट छूट जाएगा, देखो पिक ही नहीं करता यार। आप लोगों का कभी इसमें टॉय निकला है ना, तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
सो ये करने के बाद यहाँ पे ना ये वाली गेम मुझे सबसे अच्छी लगी, ये बॉल वाली ना, बास्केटबॉल वाली बहुत अच्छी थी यार, काफ़ी इंजॉइंग लग रही थी ये वाली गेम। बट बच्चों ने ये वाली नहीं की क्योंकि यहाँ पे अभी पूरी लाइन लगी हुई थी, बहुत सारी वेटिंग था। सो इसलिए अब हम यहाँ पे आगे ट्राई कर रहे हैं, हम ये वाली देखो हमें ये व्यू को मिल गई है। सो उसके तो बाइक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ये वाली गेम ना एकदम रियल एक्सपीरियंस दे रही थी, जैसे है ना ये वाली बाइक बाउंस हो रही थी ना तो एकदम रियल वाला फील आ रहा था इसको चलाते हुए। यहाँ पे 90 रुपीज थे इस वाली गेम के चार्जेस। तो यहाँ पे अब बारी आ गई है भैया की, और भैया भी ये वाली कार वाली गेम ट्राई कर रहे हैं। येलो वाली, अरे नहीं वैसे ऊपर गेम्स खेलने के बाद ना हम नीचे वाले सेक्टर में जाने हैं और देखते हैं कि वहाँ कौन कौन सी गेम्स हैं। यहाँ पे हमने और भी बहुत सारे गेम्स को एंजॉय किया है, उन सब के शॉट्स आपको आई बटन में मिल जाएंगे, चैनल पे मिल जाएंगे, जाके जरूर देखना। सो अभी हम आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पे जो कि है फूड कोर्ट, तो यहाँ पे अब हम खाना खाते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और ये सैटरडे है ना तो यहाँ पे इस टाइम सारा फुल हो रहा है, तो कहीं सीट ढूंढते हैं और कुछ खाना ऑर्डर करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे सीधा डिनर टेबल पे। फाइनली हमें सिटिंग मिल गई है और हमने फ्राइड राइस और मंचूरियन ऑर्डर किए हैं, प्लस हमने यहाँ से कैफे चेन्नई से ना फ्राइड इडली चाट ऑर्डर किए जो कि हम फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हैं। तो चलो इसको खाते हैं और आपको बताते हैं कि इसका फ्लेवर कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि देखने में तो ये काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है। तो हर्ष अभी यहाँ पे बैठ गई है और अभी आपको टेस्ट करके बताएगी जो कि 100% जेन्युइन रिव्यू होने वाला है इस इडली चाट का। हर्ष टेस्ट कैसा है? अच्छा है, फ्राइड इडली चाट राइट, तो ये आप हमारी प्लेट देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा डिलीशियस थी, बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। 10 out of 10 मैं इसको रिव्यू, इसका रेटिंग दे सकती हूँ, आप ज़रूर ट्राई करना अगर इस मॉल में आते हो तो। सो अब आ रही है हंसिका के मोमोज की रेटिंग की, तो अभी हंसिका मोमो खा रही है तो अब उसको भी रिव्यू ये देगी। कितने मार्क्स इसको? 8 और इसको
पापा लेके आ रहे हैं। वो ले आए पापा, बोले पापा ये तो यहाँ भैया को अभी और भूख लग रही है, तो भैया कुलचा से यहाँ पे छोले कुलचे लेके आए हैं, जिसका रेटिंग ना बहुत बेकार था, बहुत बेकार टेस्ट था इसका। देखो मैंने ना खाना खाया, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मैंने कोल्ड ड्रिंक भी पूरा ग्लास किसी को भी पूरा ग्लास मैंने खत्म किया, मेरा पाचक का संतुलन बिगड़ गया, पूरा अनबैलेंस हो गया, पूरा अनबैलेंस हो गया, तबाही आ गई है। तबाही आ गई है। तो की करेंसी बाट नहीं होती, उस इसमें भी बहुत बहुत। तो फिर जो कैंडीज ली है वो फिर मुझसे शेयर कर लियो, ठीक है? कैंडीज मैं संभाल लूंगी। नहीं नहीं कोई नहीं, कैंडीज कल खानी है, मैं संभाल लूंगा। अब बारी आ गई है मीठे की, और भैया यहाँ पे ना मीठा खाए बिना बाहर नहीं जाएंगे, तो भैया ने गुलाब जामुन ऑर्डर कर लिए हैं और भैया अभी वो खा रहे हैं, फिर उसके बाद चलते हैं हम सीधा घर। फाइनली हो गया हमारा डिनर डन और हम फूड कोर्ट से बाहर आ गए हैं, हमने एग्जिट ले लिया, ये पार्किंग एरिया में है। सो ये था हमारा छोटा सा व्लॉग आज के डिनर का और पैसिफिक मॉल का। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको और अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।